दोस्तों आज की वीडियो में आपको WhatsApp पर चैनल क्रिएट करना सिखाने वाला हूं। आपको पता होगा WhatsApp पर अपडेट आया है, जो चैट्स के बगल में स्टेटस का ऑप्शन वहां से हट गया है और अपडेट का ऑप्शन आ गया है। अगर आपको भी अपडेट का ऑप्शन आ गया है तो वहां पर चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ रहा होगा। तो कंप्लीट जानकारी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर सिखाने वाला हूं। बस डायरेक्ट आप मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना बस। और डायरेक्ट आप मोबाइल की स्क्रीन पर आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और WhatsApp एप्लीकेशन ओपन हो गया, आप देख सकते हैं ऊपर चैट्स का ऑप्शन आ रहा है और इसके बगल में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। पहले यहीं पर स्टेटस का ऑप्शन आता था, सभी को पता चल गया होगा। वैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर माय स्टेटस नीचे शो हो रहा है, यानी स्टेटस वगैरह देखने हैं आपको तो वो यहां पर शो हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे तो यहां पर चैनल्स की लिस्ट आ रही है, जैसे कैटरीना कैफ है और भी बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे। फाइंड चैनल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो और भी चैनल्स आपको मिल जाएंगे सेलिब्रिटीज़ के, एक तरह से यहाँ पर जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। तो बैक चलते हैं। यहाँ पर अगर आपको भी चैनल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिल रहा है, मतलब आपको ये जो अपडेट का ऑप्शन है नहीं मिला है, स्टेटस का ऑप्शन ही आ रहा है, मतलब आपको WhatsApp अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। आपको कंप्लीट सिखा दूंगा कि WhatsApp पर चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आपको ये अपडेट का ऑप्शन लाना है अगर नहीं मिल रहा है तो। तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चैनल्स का ऑप्शन है, इसके सामने प्लस का आइकन बना हुआ है। प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट चैनल और फाइंड चैनल्स। अगर आपको यहाँ पर हो सकता है फाइंड चैनल का ऑप्शन मिल रहा होगा, बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको फाइंड चैनल का ऑप्शन मिल रहा होगा, क्रिएट चैनल का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। फिलहाल चैनल क्रिएट करने के प्रोसेस को यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको अपडेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्रिएट चैनल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है। अब आपको डायरेक्ट क्रिएट चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिन जिनको ये ऑप्शन मिल रहा है उन लोगों को क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देते हैं। क्रिएट चैनल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, क्रिएट ए चैनल टू रीच अनलिमिटेड फॉलोवर्स, यानी आपको फॉलोवर्स आपकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब फॉलोवर्स आपको जितने फॉलोवर फॉलो करेंगे उतने ही आपके यहाँ पर चैनल्स पर आपके ऑडियंस की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और एनी वन कैन डिस्कवर योर चैनल, चैनल्स आर पब्लिक, आपका चैनल पब्लिक रहेगा, आपको मतलब मल्टीपल जितनी भी मतलब ऑडियंस आपको आपके चैनल को सर्च करेगी, मतलब आपको फॉलो कर सकती है। और सो एनी वन कैन फाइंड एंड सी 30 डेज ऑफ हिस्ट्री, आपकी 30 दिन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जैसे नया कोई आपका नया फॉलो करेगा आपको कोई भी यूजर और आपके चैनल्स में एक तरह ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपकी 30 दिन की पुरानी हिस्ट्री भी वो देख पाएगा। और यहाँ पर शो हो रहा है पीपल सी यू योर चैनल नॉट यू, यानी आपके चैनल को देखेंगे आपको नहीं देख पाएंगे। कि आप सोचो कि भाई लोगों ने आपको फॉलो कर लिया तो आपके WhatsApp चैनल को, मतलब आप WhatsApp चैनल के साथ साथ आपके नाम वगैरह, आपके डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो चैनल आपने क्रिएट किया है उसी को देख पाएंगे, यानी कि आपका जो ओरिजिनल WhatsApp है, WhatsApp अकाउंट की आपकी प्रोफाइल पिक्चर, मोबाइल नंबर, नेम वगैरह कुछ भी नहीं देख पाएंगे, बस आपके चैनल को देख पाएंगे। जो आपके चैनल प्रोफाइल पिक्चर आप लगा के रखेंगे चैनल पर, आपका चैनल में जो आप कंटेंट डालेंगे उसको देख पाएंगे। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी आपका यूजर नहीं देख पाएगा जब तक आप चैनल में नहीं डालेंगे तब तक। तो इनको पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक किया तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर चैनल नेम में आपको अपने चैनल का नाम सोच कर रख लेना है कि आप अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं, वो नाम आपको यहाँ पर रख देना है। और डिस्क्राइब योर चैनल इंक्लूडिंग ए डिस्क्रिप्शन इज यूजफुल फॉर योर फॉलोअर्स, एक डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके यूजर्स यानी आपकी ऑडियंस इनको पढ़ेगी तो आपके चैनल के बारे में वो समझ सके कि आप किस तरह का कंटेंट यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाने का ऑप्शन भी है, गैलरी पर क्लिक करके मतलब गैलरी का एक्सेस देकर फोटो यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर अपने कैमरे से तुरंत ही कैप्चर कर सकते हैं, फोटो लगा लेना। क्रिएट चैनल पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है। तो क्रिएट चैनल पर क्लिक करते ही आपका चैनल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको चैनल क्रिएट होने के बाद। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस चैनल बन गया है। फोटो वगैरह आप एट ए टाइम कभी भी चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, और डिलीट चैनल पर क्लिक करके चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं। इनवाइट वाला लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं, जैसे भाई मेरे चैनल में आप ज्वाइन हो जाओ, किसी को लिंक शेयर कर सकते हैं। शेयर का बटन ऊपर भी है, यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। आप एडमिन है आके, जीरो फॉलोअर्स फिलहाल शो हो रहे हैं। आपके जितने लोग आपको फॉलो करते जाएंगे उतने यहाँ पर आपकी ऑडियंस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है पब्लिक चैनल, दिस चैनल इज पब्लिक एंड विजिबल टू एनेबल इंक्लूडिंग WhatsApp। जो आप WhatsApp यूज करता है आपके नाम को सर्च करेगा, आपके चैनल पर आएगा, उनको सभी को ये अकाउंट शो होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपका अकाउंट किसी को मिलेगा नहीं, किसी कोई भी आपके अकाउंट को सर्च कर सकता है, कोई भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि आपका पब्लिक अकाउंट है। तो इस तरह से आप अपने WhatsApp चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को यहाँ पर फाइंड चैनल्स का ऑप्शन मिल रहा है, केवल क्रिएट चैनल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको बैक चलना है। केवल इसको मिनिमाइज कर देते हैं, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन किया, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है WhatsApp। WhatsApp सर्च किया, WhatsApp सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और देख लेना है अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट इसको जरूर कर लेना है, क्योंकि
अपडेट जो व्हाट्सएप पर जो ये चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन है, मतलब अपडेट का ऑप्शन है, स्टेटस का ऑप्शन की जगह जो अपडेट का ऑप्शन आया है, ये जब आया है, जब इसको तुरंत लोगों को, सभी लोगों को नहीं मिला है, फिलहाल कुछ लोगों को मिला था, उसके बाद कुछ लोगों को, फिर कुछ लोगों को, मुझे भी जल्दी से नहीं मिला था तो मुझे अपडेट का ऑप्शन मिल गया। अपडेट का ऑप्शन आपको इस तरह से मिल जाएगा, बस एप्लीकेशन को अपडेट करके रखना, आज नहीं मिला है तो कल जरूर मिल जाएगा, ये मिलेगा जरूर सभी को, क्योंकि व्हाट्सएप का अपडेट है, आपने कुछ नहीं किया है, व्हाट्सएप ने एप्लीकेशन को अपडेट किया है। और दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया फाइंड चैनल के बगल में आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो भी आपको एप्लीकेशन को अपडेट करके रखना है, और यहाँ पर आपको बस व्हाट्सएप को चेक कर लेना है, और एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद ये क्रिएट चैनल का ऑप्शन भी आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा। इसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, आप ना ही व्हाट्सएप पर किसी से मतलब हेल्प ले सकते हैं कि भाई किसी की वीडियो देखकर आपको पता लग जाए कि भाई क्रिएट चैनल का ऑप्शन कैसे मिलेगा, ये भी ऑटोमेटिक आएगा, आपको बस एप्लीकेशन को अपडेट करके रखना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ही आपको ये सभी फीचर्स जरूर मिलेंगे। ये सभी को मिलने वाला है, सभी यूजर्स जो व्हाट्सएप को यूज करते हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप, ओरिजिनल व्हाट्सएप मैसेंजर जो आप यूज करते हैं उसी पर मिलेंगे, जीबी व्हाट्सएप और ये फालतू के व्हाट्सएप पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है जिसका ये अपडेट आया है इस पर ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल, बस एप्लीकेशन को अपडेट करते रहना। और वीडियो किन किन लोगों को पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।